हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है हमारे बहुत प्यारा सा जो चैनल है अनअकैडमी स्टूडियोज एस्केप वेलोसिटी पर। हम सभी मेंटर्स आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और मैं हूं आप लोगों का मैथमेटिक्स का मेंटर ओम शर्मा, जो आपके मैथमेटिक्स का ध्यान रखता हूं, मैथमेटिक्स के बारे में आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देता रहता हूं। इस सेशन में जो हम बात करने वाले हैं वो है कैलकुलस चैप्टर। कैलकुलस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में भी हमने इसका थोड़ा सा डिस्कशन किया था और वन वन और ऑन टू वन वन और मेनी वन फंक्शन डिस्कस किया था। ऑन टू इन टू आज हम डिस्कस करेंगे और थोड़ी सी और प्रैक्टिस हम करेंगे किसके बारे में, इंजेक्टिव फंक्शन और मेनी वन फंक्शंस के बारे में। ठीक है, यह रहेगा हमारा आज का लेक्चर। तो नाम बता ही दिया, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का सेकेंड पार्ट है लेक्चर नंबर 23 कैलकुलस का। मैं इस चैनल पे आप लोगों को दो टाइमिंग पे मिलता हूँ। पहली है मॉर्निंग वाली टाइमिंग जिसपे हम डिस्कस करते हैं अलजेब्रा, जिसपे हम डिस्कस कर रहे हैं आजकल बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया है हमने, बहुत अच्छा टॉपिक है। रिसेंट टाइम में इसके ऊपर दो क्वेश्चन भी जेई मेन के ऊपर पूछे गए, जेई एडवांस में भी इसका अच्छा क्वेश्चन आता है। तो अलजेब्रा मॉर्निंग वाले टाइम पर 11 बजे हम मिलते हैं। बाइनोमियल थ्योरम कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट हो गया है, बाइनोमियल थ्योरम के बाद हम डिस्कस करेंगे पीएनसी प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, पूरी अलजेब्रा वाली चेन वहाँ पर आ जाएगी। इवनिंग में हमने अब एक एक फंक्शन इंडिविजुअली डिटेल में पढ़ने के बाद, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स कवर करने के बाद, अब हम आ गए हैं एक्चुअल फंक्शन पर जिसमें हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, तो वाला टॉपिक है। उसके बाद हम फॉग ऑफ फंक्शंस पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पूरी वो भी पूरा एक डिटेल टॉपिक है। तो दोनों में डिटेल टॉपिक चल रहे हैं, दोनों टाइमिंग्स आप खास तौर से ध्यान रखें। ये कोई भी रैंडम टॉपिक मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरे सीक्वेंस में पूरे टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ जैसे कि क्लास में हम पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपका ऐसा नहीं कि आर्बिट्रली एक दिन क्या पढ़ा दिया एक दिन क्या पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होने वाला है। पूरा सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप रोज़ वीडियोस देखते हैं तो आपके दोनों टॉपिक्स कवर 100% हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्विक इन्फॉर्मेशन अबाउट मी आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियोस आपको दिख रहे हैं ये डायरेक्टली कोटा से आ रहे हैं, आई एम टीचिंग इन द माय कोटा स्टूडियो। ठीक है, तो आप जो नॉलेज शेयरिंग देख रहे हैं, आई एम टीचिंग फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स एंड दिस इज़ माय 13th ईयर। ओके, फ्रॉम 12 ईयर्स इन कोटा, दिस इज़ माय 13th ईयर। इन सालों में मैंने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, तो वही सब एक्सपीरियंस वही मैथमेटिक्स की नॉलेज अब आपके लिए है यूट्यूब चैनल पर और हमारे प्लस वाले प्लेटफॉर्म पर। तो उस प्लस वाले प्लेटफॉर्म के बारे में बताता हूँ। अभी मैंने आपको यूट्यूब चैनल के बारे में बता दिया कि दो टाइमिंग पर हम मिलूंगा मैं तुमसे, एक तो मॉर्निंग में इसके लिए अलजेब्रा और इवनिंग में कैलकुलस के लिए मिलने वाला हूँ। और 13th ईयर है मेरा टीचिंग में अनअकैडमी के साथ मैं हूँ। ठीक है, कोटा से आप ये देख रहे, तो वहाँ आप अगर मुझे अनअकैडमी की ऐप पर जाएंगे तो वहाँ अगर आप unacademy.com@omsir अगर आप लिखते हैं तो आप इस वाले पेज पर लैंड अप कर जाएंगे। ये देखिए, ये था URL, ये लिखा हुआ unacademy.com@omsir, यू विल एंड अप ऑन दिस पेज। इस पेज पर आने के बाद आपको मेरे सबसे पहले तो इसको आप फॉलो कर लीजिए ताकि जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर नए कोर्सेस लॉन्च करता रहता हूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डायरेक्टली आपके पास मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको फॉलो करना है। यहाँ पहुँचने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ मेरे प्लस पर कोर्सेज अभी चल रहे हैं, दो कोर्सेज चल रहे हैं और दोनों कोर्सेज की टाइमिंग मैं आपको बता देता हूँ और क्या कंटेंट वहाँ पर चल रहा है दोनों के बारे में आपको बताता हूँ। अलजेब्रा का कोर्स रनिंग है जिसमें मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, अलजेब्रा इसकी टाइमिंग है 1 PM, 1.5 आवर की एक क्लास होती है 90 मिनट्स की, जिसमें हम डिटेल में डिस्कशन करते हैं। स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो इंट्रैक्शन है वो सबसे बेस्ट पार्ट है। जो भी डाउट आता है इंस्टेंटली मेरे पास आ जाता है, हम डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, डाउट्स होते हैं वो भी हम आगे बढ़ते हैं। कैसे इसमें पढ़ाया जाता है उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ आइडिया आप लोगों को देता हूँ। ऐसे लेसन नंबर 1 हुआ है, लेसन नंबर 2 हुआ है, लेसन नंबर 3 हुआ है। सो आफ्टर एवरी 3 लेसन्स देयर इज अ डाउट क्लास, सो लेक्चर 4 विल बी अ डाउट क्लास, डेफिनेटली अ डाउट क्लास रहेगी, हमेशा ही रहती है। फिर इसमें क्या होता है, जो क्वेश्चंस आपने 3 लेसन्स में पढ़े हैं, जिस प्रोफाइल के क्वेश्चंस पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन किए हैं, उनका डिस्कशन क्लास होती है। डिस्कशन क्लास ऐसे होती है कि मैं DBPs अपलोड करता हूँ, मेरा मटेरियल भी मैं डाल देता हूँ। और अगर आप कोई पर्टिकुलर बुक या आपके पास कोई और नोट्स पड़े हुए हैं, किसी का DLP मटेरियल पढ़ा है, तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम वो भी आपके डाउट में सेशन लेते हैं। या आप कहीं पढ़ रहे हैं, आपके वहाँ आपके पास कोई मटेरियल स्टडी मटेरियल, सो नॉट अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का सिर्फ सॉल्यूशन होता है, तो वो क्वेश्चन भेदभाव कुछ नहीं होता। तो आप लेकर आइए, और कभी स्टूडेंट लेकर भी आते हैं। सो लेक्चर 4 इज अ मच ऑफ मोर इंट्रैक्शन
क्योंकि इसमें थ्योरी कुछ नहीं पढ़ाते हम, सिर्फ डाउट्स का एड्रेस होता है, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन होता है। यही हमारे जेई एडवांस का पैटर्न भी है। प्रॉब्लम्स डिस्कस होती हैं, क्वेश्चंस डिस्कस होते हैं, डिटेल में डिस्कस होते हैं, हर क्वेश्चन की प्रोफाइल अलग अलग होती है। तो ज़्यादातर हमारी कोशिश ये रहती है कि हम डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस को टच करें, ठीक है, ताकि हम एक ओवरऑल जो प्रोग्रेस होती है किसी चैप्टर के बारे में, जो लर्निंग होती है, उसको हम और इंक्रीज कर सकें, ताकि हमारा अगर सिलेक्शन जेई में हो रहा है तो हमारे रैंक इंप्रूव हो जाए, और सिलेक्शन में थोड़ी दिक्कत हो रही तो फिर हम सेलेक्ट हो जाए, तो ओवरऑल इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा। फिर देखिए, टीचर्स ने पढ़ाया, आपने डाउट पूछा, बात यहीं पर नहीं रुकती है, बात रुकती है जब आप उसका टेस्ट देते हैं। सो नेक्स्ट होता है, आपने लर्निंग किया, लर्निंग के बाद आप पहुँचे डाउट में, डाउट के बाद आप पहुंचेंगे टेस्ट या क्विज पर। लर्निंग और डाउट्स में टीचर्स आपके साथ रहते हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देने जाते हैं तो आप अकेले रहेंगे, और होना भी यही चाहिए। जब आप फाइनल एग्जाम भी देने जाएंगे तो बेटा आप अकेले ही रहने वाले हैं, तो उस टाइम पे जब अकेले रहते हैं तो प्रैक्टिस करनी भी ज़रूरी है। इसके लिए हमारे पास अनअकैडमी की टेस्ट सीरीज रहती है, उसको आप, वो भी इसी पैकेज का पार्ट है। तो क्या सब्सक्रिप्शन चार्जेस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैंने आपको मेथडोलॉजी समझाई है कि हर 3 क्लास के बाद एक डाउट क्लास होती है, जिसमें हम इंटरेक्ट करते हैं, कोई सा भी क्वेश्चन हो उस टॉपिक से रिलेटेड हो तो उसको लेते हैं, चाहे वो मेरा दिया हुआ हो या आपके पास किसी बुक से हो, एवरीथिंग विल बी डन देयर, ओके। फिर लेसन 4 के बाद लेसन 5, लेसन 6 और लेसन 7, 3 लेसन्स फिर से हम एग्जाम्पल्स के साथ थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। फिर आती है 4th क्लास, लेसन नंबर 8, तब इस वाले में ये सारे के सारे जितने भी अब तक पढ़ाया है सबके डाउट डिस्कस होंगे, ठीक है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के। फिर लेसन 9 शुरू हो जाएगा, लेसन 10 शुरू हो जाएगा, लेसन 11, लेसन 12, फिर से डाउट क्लास होगा, समझ रहे हो। तो ये थंब रूल बना रखा है कि हर 3 क्लास के बाद एक डाउट सेशन लेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि बहुत सारी थ्योरी कवर हो गई और पता चला डाउट तो शुरुआत वाले में ही रह गया, ठीक है। तो इस लर्निंग के प्रोसेस को बहुत स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये कॉन्सेप्ट हमने अपनाया है, और अगर आप देखें तो नेक्स्ट स्टेप ये रहता है, लर्निंग, डाउट सेशंस, देन टेस्ट और क्विज, ठीक है। तो आते हैं और कोर्सेज कौन कौन से चल रहे हैं, जिन पे क्या क्या प्रिपरेशन चल रही है। तो फर्स्ट कोर्स है अलजेब्रा का, जिसमें मैंने बताया दिया 1 PM पे मैं आपको मिलूंगा, प्लस वाले सब्सक्रिप्शन में ज़रूर आइए, इसके ऊपर बहुत बढ़िया सेशंस रहते हैं। कैलकुलस भी स्टार्ट हुआ है, अभी रिसेंट में स्टार्ट हुआ है, इसकी क्लास रहती है इवनिंग में 6 PM। आप जाइए प्रोफाइल पे, आपको पूरा कोर्स स्ट्रक्चर दिख जाएगा, कौन कौन से दिन पर ये क्लासेस हैं, एवरीथिंग विल यू गेट देयर। तो आप अनअकैडमी की ऐप अगर इंस्टॉल नहीं की तो फटाफट से इंस्टॉल कर लीजिए। सेकंड ऐप जो आपको इंस्टॉल करनी है वो है टेलीग्राम की। टेलीग्राम में एक वीडियो हमने ग्रुप बना रखा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो आप उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। टेलीग्राम का फ़ायदा है बेटा, अभी तो आपका नंबर शेयर कहीं पर होता नहीं है, और दूसरा आपको सारे एजुकेटर्स एक ही साथ वहाँ पर मिल जाएंगे, और नंबर ऑफ़ यूज़र्स की भी वहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। तो अलजेब्रा और कैलकुलस के दोनों के मैं टाइमिंग आप लोगों को बता दिए, बी पार्ट ऑफ द सेशन। टेस्ट सीरीज की बात मैं आपसे कर रहा था कि लर्निंग, डाउट, देन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, टेस्ट के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें एक्चुअल में कितना समझ में आया, क्योंकि उस ड्यूरेशन में आपके पास ना आंसर्स होते हैं ना टीचर्स होते हैं, तब जो आपके मार्क्स आते हैं, देन यू गेट टू नो कि विद टाइमिंग, टाइमिंग के साथ आपने, तीसरा चीज़ होती है टाइमिंग, टाइमिंग के साथ सॉल्व करने के बाद कितने मार्क्स हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। फिर रियल एनालिसिस शुरू होता है, देन यू टॉक टू योर मेंटर के, सर मैंने टेस्ट दिया था, ये गलत हो गए, ये सही हुए, तो एक्चुअल पता चलता है कि लर्निंग कहाँ पर है, कहाँ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो बेटा हर जगह होगी, ऐसा तो होगा नहीं कि आपको टेस्ट देंगे और आपके बहुत ही शानदार या बहुत ही ज़बरदस्त ये बोलोगे सर मैं तो 100% उस पर आ गया हूँ, अब तो मुझे किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। किसी किसी चैप्टर में हो सकता है आप कर पाएँ ये बात, ये भी नहीं करा कि बिल्कुल ही नहीं कर पाओगे, तो कर पाएंगे, पर बात यही रही कि हमें इम्प्रूवमेंट के जो रूम्स हैं वो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। उसके लिए सबसे ज़्यादा जो हेल्प करता है वो है टेस्ट सीरीज। तो ये प्लस का ही पार्ट है। तो लर्निंग, डाउट्स, देन टेस्ट सीरीज इज अ पैकेज, नॉट ओनली फॉर वन सब्जेक्ट, फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट, फॉर नॉट ओनली फॉर वन एजुकेटर, सभी एजुकेटर्स, 50 से ज़्यादा एजुकेटर्स वहाँ पर हैं, उनके बारे में आप देख सकते हैं प्रोफाइल पर जाकर, सभी वेल क्वालिफाइड हैं। चार्जेस क्या हैं उसके बारे में बताता हूँ। इफ़ यू आर 11th क्लास के स्टूडेंट है तो आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन आप ज़रूर ले सकते हैं, उसके चार्जेस हैं 40,000। बट अगर आप यूज़ लेते हैं ये वाला कोड जो कि आपके लिए डिस्काउंट बन के जाएगा, तो दिस विल रिड्यूस टू 36,000 फॉर 2 ईयर्स। गाइज, फॉर 2 ईयर्स अगर आप 11th क्लास में हैं तो 11th पढ़ लीजिए, 12th पढ़ लीजिए, अब बताइए कितना, 36,000।
36,000 की बात हो रही है, इसका मतलब सीधी बात 18,000 ईयरली। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक एक टीचर से नहीं, सबसे आप पढ़ सकते हैं, आप सबका कंटेंट दे सकते हैं, एक सिंगल सब्सक्रिप्शन एंड अनलिमिटेड एक्सेस। कभी कोई क्लास मिस हो जाए, यू हैव अ रिकॉर्डेड टाइम फॉर दैट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स रहते हैं उनको जाकर देख लीजिए, आप उसको भी कवर कर सकते हैं। क्योंकि हमेशा कभी कभी तो कुछ गलती हो भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, किसी रीज़न से क्लास मिस हो गई, तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है कि कंटेंट और रिसोर्स कहीं नहीं जाने वाला। तो अगर हम आज के ज़माने में तुम ये सोचो कि सर हमें अच्छे टीचर्स नहीं मिले थे इसलिए मेरा जेई का एडवांस का या जेई में आईआईटी में जाने का सपना रुक गया है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम अब आपके मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप सब जगह पहुँच गए हैं। आप एक टैप करिए, टिक करिए, नॉलेज विल बी शेयर टू यू। तो ये जो ज्ञान की गंगा बह रही है इसमें डुबकी लगाइए, डूबने तो हम आप लोगों को देंगे नहीं, ठीक है बेटा। तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो ये आपको मिलेगा 36,000 का, तो 18,000 पर ईयर। और अगर आप 12th या 13th के स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर एट 12th और 13th के स्टूडेंट हैं, तो आपके पास है 1 साल का टाइम। तो 1 साल के टाइम का जो सब्सक्रिप्शन आपको लेना चाहिए वो है 25,000। ये अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ओम सर वाला कोड यूज़ में लेते हैं, तो आपको फिर से 10% का ऑफ मिल जाएगा और 22,500। आप 1 ईयर से छोटा प्लान भी ले सकते हैं बेटा, 6 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 3 मंथ्स का भी ले सकते हैं, 1 मंथ का भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर है नहीं। पर अगर आप देखेंगे, अगर 1 मंथ का लेंगे तो आपके चार्जेस कितना, 5,000 मंथली लग रहा है। यही अगर आप साल भर का लेने वाले हैं तो देखिए आपके 2,000 मंथली लगने वाला है। आई होप आप समझते हैं कि अगर लंबे टाइम के लिए लेंगे तो फिर मंथली चार्जेस थोड़े से कम रहेंगे। तो आप 6 मंथ से छोटा तो ट्राई मतलब हिसाब से नहीं करना चाहिए, ना बहुत नुकसान हो जाएगा, 1 महीने का ही 5 चला जाएगा, ठीक है। तो या तो आप 6 मंथ का लीजिए या फिर 12 मंथ का, और अगर 11th क्लास है तो फिर 2 साल का लेने का प्लान करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। ये कोड आप याद रखें, फाइनेंशियल बेनिफिट की बात मैं आपके कर रहा हूँ, 10% आपको सीधा इसके अंदर से ऑफ मिल जाएगा। ऑफ़ मिल जाएगा तो जो पैसे बचेंगे, जैसे इसमें कितने बचे, 25,000 का आपको मिला 22,500, तो आपके मिले हैं 2,500 आपकी सेविंग हो गई है। इस सेविंग में आप क्या करोगे, इस सेविंग में आप अच्छी अच्छी बुक्स खरीद लीजिए, स्टेशनरी का सामान ले सकते हैं, जो आपकी जो एकेडमिक नीड है वो उसको फुलफिल कीजिए, ठीक है। तो दिस कोड इज़ वेरी यूजफुल फॉर यू गाइस। ओम सर, ओम मेरा नाम है सर, आप मुझे बोलते हैं, तो फिर ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बता दी किस किस के बारे में, अनअकैडमी क्या है, मैं यूट्यूब पे कौन कौन से टॉपिक्स कहाँ कहाँ पर ले रहा हूँ, टाइमिंग क्या है, मैं कहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ, कोटा से पढ़ा रहा हूँ, मेरा इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में बता दिया आपको, इंट्रोडक्शन और प्लस का प्लेटफॉर्म के बारे में यूज टू बता दिया। रेगुलर टाइम पे हमारी स्पेशल क्लासेस आती रहती हैं, बी पार्ट ऑफ दैट, वो फ्री होती हैं। उन फ्री क्लासेस का अगर आप पार्ट बनेंगे तो फिर आपको वो एक क्लास के लिए फ्री में एनवायरनमेंट देखने को मिल जाएगा कि एक्चुअल में वहाँ पढ़ाते कैसे हैं, और प्लस में जब हम सब्सक्रिप्शन लेंगे तो फिर वहाँ पर किस तरह का माहौल रहता है, तो वह आप स्पेशल क्लासेस में जज कर सकते हैं। चलिए आज का टॉपिक जो है हमारा उसको हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, जिसमें मैंने 2 बातें यहाँ पर आप लोग लास्ट क्लास में पढ़ाई थी, तो थोड़ा सा मैं उन दोनों बातों को रिविज़न करके बता देता हूँ। एक था 1-1 फंक्शन और दूसरा है मैनी वन फंक्शन। तो दोनों के बारे में क्या बातें थी चलिए सुन लेते हैं दोबारा से। 1-1 फंक्शन जिसके में लिखा हुआ था डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। अगर यहाँ ए बी सी है तो यहाँ है अल्फा बीटा गामा, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट इमेजेस रखता है। लेकिन मेनी वन में ऐसा नहीं है, कोई से भी 2 एलिमेंट, एटलीस्ट 2 एलिमेंट्स ऐसे हों जिनकी इमेज सेम आती हो, कम से कम 2 एलिमेंट ऐसे हों जिनकी इमेज सेम आती हो, तो उसको मेनी वन बोल देंगे, ठीक है। तो इसके अप्रोचेस क्या क्या हमने डिसाइड की थी, इसी अप्रोचेस ये डिसाइड की थी, या तो मैपिंग से चेक कर लो, या अगर हमें एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू है, इसको हम सॉल्व करके लेके चलेंगे, तो हमारे पास एक ही अगर रिजल्ट आता है एक्स वन इक्वल टू एक्स टू ओनली, देन वी से दैट इट इज़ अ 1-1 फंक्शन। अगर हमारे पास इससे एक रिजल्ट ऐसा आता है कि जिसमें x1 x2 के बराबर नहीं है, ऐसा भी कोई रिजल्ट आ रहा है, तो फिर हम उसको बोलते हैं मैनी वन फंक्शन। गॉट इट? तो या तो मैपिंग से देख लो, या फिर ऐसे देख लो, या फिर वैसे भी देख सकते हो, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, देन f ऑफ x1 शुड नॉट बी इक्वल टू x2। अगर ऐसा हो गया तो मैनी वन है, क्योंकि अलग अलग इनपुट पर आउटपुट सेम आ गया है, और
अगर अलग अलग वैल्यूज पर इनपुट आउटपुट भी अलग अलग है देन इट इज 1:1। ठीक है, एक ग्राफिकल अप्रोच भी हमने डिस्कस किया था जिसमें ये बोला था कि अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दें और एक से ज़्यादा बार उसने कट कर दिया तो फिर ये मेनी वन हो जाएगा, और अगर सिंगल टाइम कट करता है एक से ज़्यादा बार वाला पॉइंट नहीं मिल रहा है हमें तो फिर वो 1:1 होगा। जैसे कि एक डायग्राम बनाया रहा हूँ मैं, ये बनाया मैंने डायग्राम, तो बेटा ये देखो एक लाइन हॉरिजॉन्टल में बनाऊंगा तो दो बार ये कट कर गया है, ये अल्फा पर, ये बीटा पर, और ये वैल्यू के है, तो क्या रिजल्ट निकला इसका, इसका मतलब अल्फा और बीटा को अगर हम रखेंगे तो ये सामने जाके कनेक्ट होगा के के ऊपर। देखो कैसे अल्फा पर वैल्यू के है, बीटा पर वैल्यू के है, तो दोनों की मैपिंग सेम जाके हो गई, सो इट इज मेनी एंड वन। तो ये थे हमने टॉपिक्स अब तक डिस्कस किए थे, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया था, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने फिर से एक रिवीजन दे दिया तुम्हें कि मेनी वन क्या है, 1:1 क्या है। और एक और खास बात, अगर कोई फंक्शन 1:1 नहीं है तो 100% मेनी वन होगा, और कोई फंक्शन अगर मेनी वन नहीं है तो फिर वो 100% 1:1 होगा। कोई भी फंक्शन 1:1 और मेनी वन सेम टाइम पर नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में आगे चलते हैं और कुछ एग्जांपल्स से इनको समझने की और डिटेलिंग में कोशिश करते हैं। आइए, एक फंक्शन मैंने लिया, दैट इज सम कांस्टेंट फंक्शन, के कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में हमें क्या नज़र आता है कि फंक्शन कैसा होगा, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए कांस्टेंट फंक्शन के बारे में, अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है 1 पर वैल्यू भी के आएगा और -1 पर वैल्यू भी के आएगा, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। अब देखिए क्या हुआ, अलग अलग वैल्यूज है, 1 और -1 तो सेम होते नहीं है, वैल्यूज आ रही है के, तो 1 और -1 कनेक्ट हो चुके हैं के से, हम क्लियरली बोल चुके हैं, बोल सकते हैं कि यार ये तो मेनी वन फंक्शन होगा। डायग्राम से भी आप देख सकते हैं, के वाला डायग्राम हमने बना दिया, के वाली लाइन है, तो अगर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊंगा तो ये तो इसको इन्फाइनाइट बार कट करके चली जाएगी। मेनी वन फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन इज अ मेनी वन फंक्शन। ओके, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरा फंक्शन मैं तुम्हें देता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू LNX। इसके बारे में क्या लगता है तुम्हें, बना के देखिए, आराम से सोच सोच के देखिए कि क्या है। एक है e पावर x, log x के बारे में थोड़ा सोचिए, अभी मैं आपको सोचने के लिए बात बोल रहा हूं बेटा, ये दोनों ना आप सोचो थोड़ा थोड़ा सा, जरूर हम पहुंच जाएंगे कि हम क्या बात कर रहा हूँ, मैं कैसे बात कर रहा हूँ। बना के देखिए log x के बारे में 1:1 और मेनी वन हमें क्लासिफाई करना है, आप चाहें तो मैथमेटिकल अप्रोच से कर लें, आप अगर चाहें तो ग्राफ से भी देख सकते हैं, ये दोनों के ग्राफ तो आसान होते हैं। ये फ्रैक्शनल पार्ट ले लिया यहाँ पर, हाँ बोलिए। log x, log x ऐसा होता है e पावर x, e पावर x इस तरीके का होगा, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट का डायग्राम सब जानते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट का डायग्राम, सर्दी के टाइम पर सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो जो ग्रास पर ओस की बूंदें लगी रहती हैं वही होता है फ्रैक्शनल पार्ट। क्रिकेट में होता है ना ड्यू हो जाती है, दैट इज अ ड्यू, ये होता है फ्रैक्शनल पार्ट का डायग्राम। अब थोड़ा सा सोचिए और बताइए मुझे कौन सा मेनी वन है, कौन सा 1:1 है। ग्राफ से हम आराम से पता कर सकते हैं, ग्राफ से हम क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये देखिए ये बढ़ता जा रहा है, यहाँ कोई से भी लाइन ड्रॉ करके दिखा दो हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, एक वर्टिकल लाइन की भी कहानी होती थी बेटा, वर्टिकल लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल बना के दिखाते हैं वो आइडेंटिफाई करने के लिए होती है फंक्शन है या नहीं, वर्टिकल लाइन टेस्ट हम उसको बोलते हैं, जिसमें अगर हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके देखें और अगर वो एक से ज़्यादा बार कट करता है तो फिर उससे पता चलता है कि वो फंक्शन नहीं है। यहाँ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि फंक्शन तो है, अब फंक्शन में वो कौन से टाइप का फंक्शन है, 1:1 है या मेनी वन है, तो उसके लिए तोड़ हमने निकाला है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, एक से ज़्यादा बार अगर कट कर गई हैं तो फिर वो बन जाएंगे कौन सी, मेनी वन फंक्शन बन जाएगा, एक ही बार कट करेगा तो वो 1:1 फंक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हम ड्रॉ करके देख लेते हैं, ये बना दी हमने लाइन यहाँ पर, ये इसको एक बार कट कर रहा है, ये भी इसको एक बार कट कर रहा है, एक से ज़्यादा बार कट करा ही नहीं सकते, लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ इसको बहुत बार कट कर रहा है, तो दिस इज सर्टेनली मेनी वन, ये 1:1 और ये है, ये भी 1:1 है। ठीक है, अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैथमेटिक्स का जो कि आगे जाके आने वाला है उसको मैं थोड़ा यहाँ से एक समझा देता हूँ तुम्हें। एक वर्ड होता है मोनोटोनोसिटी, ठीक है, मोनोटोनोसिटी मतलब इंग्लिश में एक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है एक जैसा, सेम बिहेवियर। जैसे अगर हम
बात करें कि लाइफ वो कई बार बोलते हैं ना हम कि लाइफ बहुत मोनोटोनस हो गई है, स्कूल जाते हैं वो जो बैग लेकर आते हैं, बैग से टांग के स्कूल पहुंचते हैं, वापस आते हैं खाना खाते हैं, फिर से बैग लेकर चले जाते हैं कोचिंग पढ़ने, और फिर वापस से आते हैं, फिर सुबह हो जाती है खाना खाते हैं सो जाते हैं, फिर सुबह होती है फिर बैग लेके जाते हैं, तो रूटीन एक पैटर्न फिक्स हो जाता है, दैट पैटर्न इज मोनोटोनोसिटी। ठीक है, तो मोनोटोनस लाइफ हो जाना मतलब रूटीन और एक जैसा हो जाना। तो अगर हम मोनोटोनोसिटी का बिहेवियर देखें तो देखिए यहाँ पर कैसा बिहेवियर है, ये फंक्शन कैसा था, जैसे जैसे एक्स को बढ़ाने लगे ये फंक्शन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। सो दिस फंक्शन इज ए मोनोटोनिक फंक्शन, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन बन चुका है। ये फंक्शन बड़ा बड़ा बड़ा, ये भी इसका भी एक ही जैसा बिहेवियर है, ये भी मोनोटोनिक फंक्शन है। इसको देखिए फंक्शन बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है, फिर गिर गया घट गया, फिर बड़ा 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 बढ़ता जा रहा फिर घट गया। तो इसका बिहेवियर एक जैसा नहीं है, ये कभी बढ़ता है फिर घट जाता है फिर बढ़ता है फिर घट जाता है, इट इंक्रीजेज देन डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज देन इंक्रीज देन डिक्रीज, सो दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन। तो मोनोटोनोसिटी में थोड़ा सा यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, सो इट इज मोनोटोनिक, ये भी मोनोटोनिक है एंड दिस इज नॉन मोनोटोनिक। दिस इज नॉन मोनोटोनिक ओके, क्योंकि ये बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है बढ़ता है घटता है। तो हम क्या देख पा रहे हैं सर, जो मोनोटोनिक आ रहे हैं वो हमें वन वन दिख रहे हैं और जो नॉन मोनोटोनिक आ रहे हैं वो मेनी वन दिख रहा है। चेक करते हैं, देखते हैं क्या है, आगे रिलेशन भी रहता है किसी और एग्जाम्पल के अंदर भी। आइए, एक फंक्शन हमने डिफाइन किया गया आर से आर में और दैट फंक्शन इज कॉस एक्स, एक क्वेश्चन ये है, इसके बारे में तुम्हें पता करना है कि वन वन है या मेनी वन है। एक और फंक्शन हमें डिसाइड किया गया जो कि है जीरो से लेके पाई के बीच में एंड डिफाइंड फ्रॉम आर, और अपना जो फंक्शन है वो है कॉस एक्स। अब दोनों के बारे में तुम्हें डिसाइड करना है कि क्या हो रहा है। ठीक है, आइए कॉस एक्स का डायग्राम बना लेते हैं, दोनों बना सकते हो आप दोनों डायग्राम, तो बनाइए बताइए क्या होने वाला है। देखिए जानते हो कॉस एक्स का डायग्राम, तो बना के दोनों के ऊपर आपको कमेंट करना है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत आसान चीज़ें हैं, दिमाग लगा के पढ़ोगे सब सीख जाओगे, बाकी बाकी गारंटी मेरी है। कंसिस्टेंटली अगर आप होमवर्क करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती, बस आपको चाहिए एक अच्छा मेंटर जो आपको गाइड रास्ता बता सके। और मेरी तो बहुत इच्छा है कि आप लोग मेरे जूनियर्स बने, पहुँचे IIT बॉम्बे, बहुत सारी बातें और भी बतानी हैं, पर सिलेबस इतना बड़ा है कि मैं सुबह शाम दो चैप्टर आपके लिए लेकर आता हूँ, एक एल्जेब्रा का और एक कैलकुलस का, तो आप अगर दोनों लेक्चर्स भी अटेंड करते जाते हैं कोई रोक नहीं सकता बेटा। ये सब तो फ्री है, आप इसको तो अटेंड करिए, यहाँ तो रेगुलर रहिए। ठीक है, बनाइए दोनों के बारे में एनालिसिस कीजिए क्या होगा। बनी बात, बनाया डायग्राम से कॉस एक्स का डायग्राम तो हमें मालूम है, कॉस एक्स का डायग्राम तो इस तरीके से बनता है, बना दो। अभी डोमेन क्या रखा है गौर से देखेंगे सभी, डोमेन को क्या रखा गया है, आर रखा गया है, तो इट इज माइनस पाई बाय टू, इट इज पाई बाय टू, इट इज 3π/2, यह है पाई। अब इसके बारे में क्या लगता है, घटा बड़ा घटा बड़ा घटा बड़ा, मोनोटोनिक है या नॉन मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक फिर समझा देता हूँ, मोनोटोनिक का मतलब है या तो बढ़ता ही रहे या फिर घटता ही रहे, एक जैसा बिहेवियर हो उसका, या तो बढ़ता रहे तो बढ़ता ही रहे, घटता है तो घटता ही रहे। लेकिन यहाँ क्या होता है, घट गया फिर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा फिर घटने लग गया फिर बढ़ने लगा घट, तो क्या हो गया, दोनों बिहेवियर। तो ये जो बढ़ना और घटना दैट इज मोनोटोनोसिटी, जब बढ़ते हैं मार्क्स तो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव आता है, जब घटते हैं मार्क्स तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आता है, जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है तो इसका मतलब dv/dt पॉजिटिव होता है तो वेलोसिटी बढ़ती है, जब एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है तो dv/dt नेगेटिव हो जाता है यानी वेलोसिटी घट जाती है। यही फंडा है, वो सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं है बेटा, वो एक्चुअल तो आया मैथमेटिक्स से है, वो है मोनोटोनोसिटी। अगर रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है तो बढ़ेगा, रेट ऑफ चेंज नेगेटिव है तो घटेगा।
ठीक है, सीधी सी बात है। तो अगर बढ़कर घटता है तो मोनोटॉनिक नहीं है, ये बन चुका है नॉन मोनोटॉनिक। तो नॉन मोनोटॉनिक है, तो अगर मैं एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा दूँ जो इसको एक से ज़्यादा बार कट करती है, बिल्कुल कट कर रही है, वी विल कॉल इट एज मेनी वन फंक्शन। गॉट इट? आगे चलते हैं। जीरो से पाई में डायग्राम बनाने को बोला है, ज़्यादा किच किच नहीं करनी है। जीरो पर कॉस की वैल्यू आती है वन और पाई पर वैल्यू आती है -1, बस। आगे जाना मना कर दिया है, मना कर दिया है तो अच्छी बात है, हम भी मना ही रखेंगे। अब इस डायग्राम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जीरो से पाई ही बोला है, यहाँ आर था तो पूरा बनाना पड़ा। यहाँ जीरो से पाई के आगे ना जाएंगे ना पीछे जाएंगे जीरो के, इतना सा डायग्राम हमें बनाने को बोला जा रहा है। तो तुम बताइए क्या करने वाले हैं हम यहाँ पर? कैसा लग रहा है फंक्शन? फंक्शन कैसा है? सिर्फ डिक्रीज हो रहा है, पाई के बाद वैल्यू बढ़ती इसकी, मना कर दिया है। तो अब ये कैसा फंक्शन कंसीडर होगा? हाँ, ये तो मोनोटॉनिक है, दिस इज मोनोटॉनिक, और ये मोनोटॉनिक है। पर मोनोटॉनिक कौन सा वाला मोनोटॉनिक है? डिक्रीजिंग है। कैसा पैटर्न है इसका? डिक्रीज करने वाला पैटर्न है। तो बताइए, वन वन एक से ज्यादा लाइन कट करके दिखा सकते हैं हॉरिजॉन्टल इसकी? नहीं कट के कर दिखा सकते। तो ये कंसीडर होगा किसके अंदर? वन वन फंक्शन है। वन वन फंक्शन का एक और नाम है इंजेक्टिव। क्या नाम है बेटा? इंजेक्टिव भी बोला जाता है। वन वन का एक और नाम है इंजेक्टिव, ठीक है। तो ये मोनोटॉनिक होगा, सिर्फ इतना रुक गया। तो देखो, यहां पर कॉस एक्स, यहां भी कॉस एक्स था, फर्क किसका पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है डोमेन का। क्लियर? दोनों जगह कॉस एक्स है, लेकिन डोमेन ने फर्क बता दिया। जीरो से पाई के बीच में बोला था सिर्फ डिक्रीज ही कर पाएगा, बढ़ नहीं पाएगा। तो मोनोटोनोसिटी का यूज है, ठीक है। तो अगर हमने एक ही बिहेवियर रखा है तो फंक्शन कैसा आ रहा है? देखिए, वन वन आ रहा है, दोनों बिहेवियर आगे बढ़ने घटने का, तो हम लिखेंगे नॉन मोनोटॉनिक है। तो ये कंसीडर होगा किसमें? मेनी वन में। अब तुम्हें एक और दो डायग्राम में बना के दिखाता हूं, तुम मुझे बताना कि क्या हो रहा है। ओके, ठीक है, ऐसा। और एक और डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। अब दोनों के बारे में सोचो, कैसे डायग्राम है, ठीक है। दोनों के मोनोटोनिसिटी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। सोच के देखो दोनों किस तरह का बिहेवियर है। ये तो आई थिंक सबको क्लियर है। सर, ये तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, ये क्या हो रहा है? सर, ये कॉन्स्टेंट है, फिर बड़ा है, फिर कॉन्स्टेंट हो गया, घटा है कहीं पर? घटा तो नहीं है, घटा तो नहीं है, पर कॉन्स्टेंट है काफी टाइम तक, उसके बाद बड़ा है, फिर कॉन्स्टेंट हो गया है। तो अगर हम बात करें तो दोनों ही फंक्शन घटने वाले फंक्शन नहीं है, ना तो ये घट रहा है ना वो घट रहा है, दोनों ही घटते नहीं है अगर हम देखें। सो दिस इज मोनोटॉनिक फंक्शन। ये तो मोनोटॉनिक है, ये भी मोनोटॉनिक है, घटा तो नहीं है। और बेटा एक चीज है यहां पर, ये डिक्रीज नहीं हुआ है। सो दिस इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, और ये सिर्फ बढ़ता चला गया है, इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो क्या रिजल्ट निकलने वाला है? देखिए, ये मेनी वन होगा, कैसे? देखिए कैसे, ये दिख रहा है तुम्हें, पूरी जगह कांस्टेंट आ रहा है। मैं कांस्टेंट वाली हॉरिजॉन्टल लाइन अगर बना दूंगा, यानी यहां पर अगर वैल्यू अल्फा है, यहां पर अगर वैल्यू बीटा है, तो ये सब वैल्यू के पर कनेक्ट हो जाएंगे, दिस इज मेनी वन फंक्शन। और यहां पर देखिए, क्योंकि ये लगातार स्ट्रिक्टली बढ़ने वाला है, कंटिन्यूअसली बढ़ता ही चला जाएगा, कोई वैल्यू वापस नहीं आने वाली है। सो दिस इज वन वन फंक्शन। तो क्या बात है? नॉन डिक्रीजिंग का मतलब, जैसे नॉन नेगेटिव होता है ना, एक बार नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव जैसे कोई भी नंबर क्या हो सकता है बेटा? तीन तरीके से हो सकता है, या तो जीरो हो, पॉजिटिव हो, या नेगेटिव हो। जब हमें नॉन नेगेटिव बोलता है, इसका मतलब होता है कि नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं हो तो फिर क्या होगा? या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। सेम कहानी मोनोटोनोसिटी के साथ भी है। अगर फंक्शन नॉन डिक्रीजिंग है तो मतलब डिक्रीज नहीं होगा, तो फिर क्या हो सकता है? या तो कांस्टेंट होगा या बढ़ रहा होगा। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो स्ट्रिक्ट है,
इंक्रीज ही करेगा, अब कांस्टेंट उसके अंदर नहीं हो सकता है। तो हमने क्या देखा है कि अगर यहाँ भी मोनोटोनिक है, यहाँ भी मोनोटोनिक है, क्योंकि घट तो रहे नहीं है, बिहेवियर तो एक ही जैसा है, तो अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो हम उसको कैटेगरी में रखेंगे किसके अंदर, 1:1 के अंदर। लेकिन अगर कहीं पर कांस्टेंट हो गया एक भी इंटरवल में, क्योंकि इंटरवल में बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, ये देखिए आगे फिर कांस्टेंट हुआ, तो बहुत सारे पॉइंट आगे आने वालों पर इसका वैल्यू सेम आने वाला है, ये बन जाएगा मेनी वन फंक्शन। गॉट दिस पॉइंट? देख लो इसको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिर हम आगे चलेंगे। देख लीजिए इस पॉइंट को, फिर हम आगे चलेंगे। बना ली बात, आगे चलूं मैं? चलिए अब मैं और डिस्कशन करता हूं। एक फंक्शन मैंने ले लिया है सिग्मा मैक्स, इसके बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। आ जाइए, सिग्मा मैक्स कैसा होगा इसका प्लॉटिंग बना लेते हैं। जीरो पर सिग्नम जीरो आता है, इसके आगे आता है पॉजिटिव, यह आता है माइनस वन। ठीक है, ये सिग्नम फंक्शन होता है। और सेकंड फंक्शन में आपको यहीं पे बना के दिखा रहा हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स का। आपको सारी बातें बतानी है मुझे, देखिए कि कौन सा वाला प्लॉटिंग बनेगा और 1:1 मेनी वन के हिसाब से क्या होने वाला है। ठीक है, ये बना के आप मुझे बताएंगे कि सर ऐसा इसके बारे में हम बोल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे फंक्शंस को रीड कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट जो बिल्ड कर रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है अपना मोनोटोनिसिटी की हेल्प से सीख रहे हैं, 1:1 है या मेनी वन है। ओके, बताइए, देख लीजिए दोनों डायग्राम, मुझे बताना। आप पहले तो ना 1:1 मेनी वन डिसाइड कर लो, बहुत ज्यादा आसान बात है। मोनोटोनिसिटी तो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, हालांकि वो भी आसान ही है, सोचोगे तो दोनों हो जाएंगे, वरना थोड़े से हम फंस सकते हैं। तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहां पर सिग्नम फंक्शन बोला गया है, यहां है माइनस वन वाला डेटा, यहां है 1 वाला डेटा, दोनों यहां पर लिखे हुए हैं। आगे जितने भी डेटा आने वाले हैं हमें मालूम है कि अगर ये एफ एक्स है तो आगे पॉजिटिव पर अगर 3 पर 1 पर वैल्यू निकालोगे तो 1 आएगा, 2 पर वैल्यू निकालोगे तो भी 1 ही आने वाला है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये तो क्लियर दिख रहा है, ये तो मेनी वन फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, मेनी वन है। यहां तुम्हें क्या लग रहा है, ये भी मेनी वन होने वाला है। अगर हम 1.1 पर डेटा निकालें तो वैल्यू 1 आती है, 1.2 पर वैल्यू निकालें तो भी 1 ही आता है, 1.9 पर वैल्यू निकालें तो भी 1 ही आता है, ये तो मेनी वन है ये भी। देखिए 1.1, 1.2 क्या है, तो 1.3, 1.33, 1.43 सब जगह बने, क्योंकि इस जगह पर ये कांस्टेंट हो गया है। जैसे ही कांस्टेंट हो जाएगा बात बंद हो जाएगी, मेनी वन बन जाएगा। मोनोटोनिसिटी डिस्कस करें, अब बताइए इसकी। माइनस वन था, माइनस वन था, माइनस वन था, फिर ऊपर गया, फिर जीरो हुआ, फिर ऊपर गया, 1 हुआ, तो बड़ा तो है और फिर कांस्टेंट रहता है। तो ज़्यादातर टाइम तो कांस्टेंट रहता है, फिर इंक्रीज भी करता है, लेकिन ये पैटर्न कैसा हुआ, मोनोटोनिक तो है पर ये नॉन डिक्रीजिंग है। तो फिर कैसे आ गया, नॉन डिक्रीजिंग है मतलब ये स्ट्रिक्टली नहीं है। ओके, सो स्ट्रिक्टली अगर नहीं है बिकॉज कांस्टेंट बन गया है तो ये मेनी वन कैटेगरी में जाएगा। यहाँ भी देखिए ये भी कांस्टेंट बन रहा है, मोनोटोनिक है, लेकिन ये दोनों स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक नहीं है, इसीलिए दोनों 1:1 की कैटेगरी में भी नहीं आए हैं। गॉट इट? देख लो इसको थोड़ी देर और फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है, तो 1:1 मेनी वन, अगर कहीं पर भी फंक्शन, मेरी बात को सुनते रहे और देखते भी रहे, अगर कहीं पर भी फंक्शन कॉन्स्टेंट हो गया है तो फिर उसको हम मेनी वन की कैटेगरी में ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत सारी वैल्यूज पर सेम वैल्यू दे रहा है। और हमें तो अगर 2 वैल्यूज भी मिल गई तो बस बहुत है हमारे उसके लिए पता करने के लिए, उसको टैग करने के लिए कि वो डेटा जो है वो मेनी वन की कैटेगरी में जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पर हमने डिस्कस किया है एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस साइन एक्स, के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में हमें पता करना है कि इसका क्या होगा। अब देखिए 2x माइनस साइन एक्स का हम डायग्राम नहीं जानते हैं कि 2x माइनस साइन एक्स का डायग्राम कैसा बनने वाला है, वी हैव नो आइडिया अबाउट इट। ठीक है, तो अब हम मोनोटोनोसिटी की अगर हम बात करें तो मोनोटोनोस मैपिंग कैसे कर सकते हैं। मैपिंग पे तुम देख लो कोई वैल्यू तुम्हें दिख रही हो जिस पर 2 वैल्यूज पर सेम आ रहा हो, कोई ऐसी 2 वैल्यूज जिस पर तुम्हें सेम आ रहा हो, ऐसी कोई वैल्यूज नज़र आ रही हैं 2x माइनस साइन एक्स पर, वो सोच लो। अगर तुम्हें 2 अलग अलग वैल्यूज ऑब्जर्वेशन से भी दिख जाती है कि सर इन दोनों वैल्यूज पर ये सेम आ रहा है, तो हम डायरेक्टली बोल देंगे मेनी वन है।
ठीक है, ऐसा दिख रहा है तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमारे पास अप्रोच बचती है कि सर वैसे तो नहीं दिख रहा, तो मोनोटोनिसिटी पे चलते हैं सर, क्योंकि हमें ऐसा ग्राफ नहीं मालूम है। अच्छा सर, ऐसे ग्राफ बना सकते हैं क्या? एक बार हमने वाई इक्वल टू टू एक्स का ग्राफ बना दिया, और एक बार हम साइन एक्स को माइनस साइन एक्स कर दिया, फिर दोनों के ग्राफ जोड़ दें। ऐसे नहीं जुड़ते ग्राफ, ठीक है, ऐसे ग्राफ नहीं जुड़ते हैं। किसी किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में जुड़ जाए तो बात अलग है, लेकिन ऐसे ग्राफ नहीं जुड़ते हैं। पूरा फंक्शन जो होगा वो बन जाएगा 2x माइनस साइन एक्स। तो बेटर ये है कि हम इस फंक्शन का एनालिसिस करें, और हमारे पास जो हेल्प है वो है मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी डिसाइड होता है रेट ऑफ चेंज से, तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करके इसका आइडिया लगा सकते हैं कि क्या इसका डिफरेंशिएशन आने वाला है। सो डी ऑफ एफ एक्स अपॉन डी एक्स, डिफरेंशिएशन करने गए तो 2x का 2 बन जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर साइन एक्स पूरा दम लगा ले, कितना बन गया साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स पूरा भी दम लगा लेता है अगर अपना, तो किसके बीच में रहता है प्यारे बच्चों? माइनस वन से वन के बीच में रहता है। कॉस एक्स जो होता है हमेशा माइनस वन से वन के बीच में रहता है, तो टू को तो कभी एक्सीड कर ही नहीं पाएगा, टू से तो हमेशा ही छोटा ही रहेगा, तो ये पॉजिटिव रहने वाला है। दिस होल डेटा विल बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव है तो क्या समझ में आया? रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है। जब ये जीरो बनता है, जब रेट ऑफ, अच्छा तुम्हें मालूम है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है? अगर कोई नंबर कांस्टेंट है, जैसे तीन, तीन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। दस का डिफरेंशिएशन क्या होगा? जीरो। तो ये तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है यानी रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, जीरो नहीं है, पॉजिटिव है। तो जीरो होता तो कॉन्स्टेंट बनने का चांस बनता, लेकिन ये तो पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव है, हमें ये पता चला कि रेट ऑफ चेंज एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो क्लियर पता चल गया फिर तो हमें कि एफ एक्स कैसा आएगा। एफ एक्स होगा स्ट्रिक्टली बढ़ने वाला फंक्शन, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। और किस टाइप का इंक्रीज करेगा? क्यों इंक्रीज करेगा बताओ? क्योंकि पॉजिटिव आया है तो बढ़ता चला जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो फिर फंक्शन का कैटेगरी हम किस तरीके से रखेंगे कि दिस फंक्शन विल बी अ वन वन फंक्शन, डायरेक्ट बोल सकते हैं फंक्शन कैसा होगा? वन वन फंक्शन होगा। सेकंड फंक्शन का एनालिसिस तुम्हें यहाँ करवा देता हूँ एक और फंक्शन लिख के। सपोज करो तुम्हारे पास एक फंक्शन है, ये है 2x माइनस एक्स स्क्वायर। इस क्वाड्रेटिक को जानते हो सब, 2x माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। इसके बारे में तुम्हारे क्या ख्याल है, क्या लगता है इसके बारे में? कैसे इसको भी कैलकुलस से ही कर लेते हैं फिर, तुम्हारी जैसे इच्छा हो वैसे कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलस से करना चाहो कैलकुलस से कर लो, डायग्राम बनाए करना चाहो डायग्राम से कर लो। कैसे? ये देखो एफ डैश एक्स कैलकुलस से समझा देता हूँ। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा 2 माइनस 2x। अब ये 2 तो कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस एक्स, अब इसका तो साइन चेंज होगा, ये रहा 1। 1 से ज़्यादा रखोगे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो हुआ क्या? रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव है, यानी 1 तक तो बढ़ेगा और फिर 1 के बाद घटेगा, तो बढ़कर घट गया। अब बताइए क्या ये मोनोटोनिक है? नहीं है, ये तो नॉन मोनोटोनिक है। और अगर नॉन मोनोटोनिक है तो किस कैटेगरी में जाएगा? मेनी वन फंक्शन है, तो इट इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, इट इज नॉन मोनोटोनिक, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इट इज मेनी वन फंक्शन। और अगर तुम्हें इसी को करने का, ये तो फर्स्ट तरीका हुआ बेटा ना, और तरीका सिखाता हूँ। सेकेंड तरीका ये है सर, सेकेंड तरीका ये है कि इसको ऑब्जर्व करके हम बता सकते हैं कि इसका वैल्यू अगर मैं जीरो पर निकालता हूँ तो जीरो नजर आ रहा है, टू पर निकालता हूँ तो भी जीरो आ रहा है, 4 माइनस 4 बन जाएगा, ये भी जीरो है, बस खत्म। हमें किसी डिफरेंशिएशन की ज़रूरत नहीं है, दो अलग अलग डेटा पर चेक करके बता दिया, 0 और 2 पर दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इस वाले केस में भी ये मेनी वन ही रहेगा। ओके, थर्ड केस डिस्कस करता हूँ, इसी को करने का तीसरा मेथड, केस नहीं मेथड, मेथड से इसका डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बना लो, एक पॉइंट आएगा इसका, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, दूसरा पॉइंट आएगा 2 माइनस x कॉमन लेंगे, तो यहाँ है x, यहाँ पर है 2, यहाँ है 0, यहाँ है 2। अब देख लीजिए हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेंगी एक से ज़्यादा ड्रॉ करने के लिए, बना दीजिए, ये बना दिया, एक से ज़्यादा वाली लाइन ड्रॉ कर दी, कितने बार कट कर दिया? एक से ज़्यादा बार, बन गई बात। और डायग्राम से भी तुम देख सकते हो बेटा, जो मोनोटोनिसिटी वाली बात बता रहा था ना मैं, देखो माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है, और फिर 1 से आगे जाकर ये घटेगा, 1 से आगे जाकर ये घटेगा, तो दिस इंक्रीजेस देन इट डिक्रीजेस, गॉट इट? इंक्रीज डिक्रीज सारी बात समझ में आ गई तीनों मेथड से, समझ गए? अब पूरे वो देख लो एक बार, फिर मैं आगे चलता हूँ।
पूरे को देख लो एक बार, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि सर ये वन वन मेनी वन वाली बात हम कैसे डिसाइड करने वाले हैं, क्या कॉन्सेप्ट हम रखने वाले हैं, सर थोड़ा बता दीजिए। तो मोनोटोनिक सिटी से मैंने इसको आपको कंपैरिजन करके दिखा दिया है कि हर बार हम ग्राफ नहीं बना पाएंगे, इसका नहीं बना सकते थे 2x माने साइन x का, तो हम मोनोटोनिसिटी वाले कॉन्सेप्ट को हमने सीखा। इसके पिछले वाले में तो मैं थोड़ा डिटेल में गया मैं मोनोटोनिसिटी के, और ये भी बात सिखाई कि दोनों फंक्शन बढ़ते थे, ये भी बढ़ता है ये भी बढ़ता है, पर दोनों फंक्शन कैसे हैं, स्ट्रिक्टली नहीं बढ़ते हैं, थोड़े कांस्टेंट हो के बढ़ते, कांस्टेंट हो जाते हैं फिर बढ़ते हैं, कांस्टेंट हो जाते हैं फिर बढ़ते हैं, पर बढ़ते तो हैं, सांस ले लेके बढ़ता है बेचारा, थक जाता है, ऊपर बढ़ा फिर सांस ले लेता है, फिर चढ़ता है फिर कांस्टेंट ही रहता है। ये देखो ये है वो, थोड़ा सा दौड़ा जंप किया फिर थोड़ी देर रेस्ट करता है, रेस्ट करता है मतलब कांस्टेंट हो जाता है, स्पीड उसकी जीरो हो गई, रेट ऑफ चेंज जीरो हो गई, कांस्टेंट है ना रेट ऑफ चेंज जीरो, फिर जंप किया फिर जंप किया, तो मतलब मेनी वन आ गया, जैसे ही रेस्ट लेगा डिवाइड बाय dx जीरो हो जाएगा। तो यहाँ देखो हमने गारंटी ली डिवाइड बाय dx जीरो तो नहीं हो रहा कहीं पर, नहीं हो सकता क्योंकि जीरो होने के लिए cos x को 2 होना पड़ेगा, और इस जन्म में cos x की बस की बात नहीं है कि वो cos x 2 हो जाए। गॉट दिस पॉइंट? ठीक है, ये देखा स्ट्रिक्टली बढ़ता है तो फिर हमने सीधा लिख दिया वन वन है। यहाँ वाला देखो साइन चेंज हो गया तो बड़ा है फिर घटा है, नॉन मोनोटोनिक मेनी वन। जीरो टू पर डेटा दो वैल्यूज पर अगर हमें अलग अलग दिख गया तो बात ख़त्म हो गई, हम सीधा मैपिंग से ये वाली बात बोल सकते हैं कि सर देखिए हो ये रहा है, यहाँ जीरो है यहाँ टू है और ये दोनों जाके कनेक्ट हो गए हैं जीरो पर, तो मेनी वन, सो मेनी एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विद वन डेटा, दैट्स वाई इट इज मेनी वन। ये मैपिंग से भी दिखा दिया, फोर्थ मैथड। ठीक है, बात वही है, मैपिंग यही होता है, यही डायग्राम होता है, डायग्राम में भी देख सकते हो, देखो जीरो पर वैल्यू और टू पर वैल्यू सेम आ रहा है, आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्यूबिक लिखी हुई है, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस वन, इसको ट्राई करो आप लोग, आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ मैं, बनाओ इसको, बनाने की कोशिश करो किस तरीके से आप बनाओगे, वन वन और मेनी वन का डिस्कशन कर रहा है किस तरीके से आप करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप सभी और आगे से आगे बढ़ते रहिए, सभी से सभी मेरी यही आप लोगों के साथ इच्छा है, आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी है, पर जो हम बोलते हैं वो आप करते रहिए। ठीक है बच्चों, बना के देखिए क्यूबिक है तो क्या करेंगे, तो क्यूबिक के डायग्राम नहीं मालूम कोई बात नहीं बेटा, नहीं मालूम तो डिफरेंशिएट करके देखो इसको क्या बिहेवियर आ रहा है इसका, बना के देखो अभी पता चलता है क्या होगा, बनाइए देखिए सब होगा, टेंशन लेने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, सारे आंसर्स निकल के आएंगे। करिए इसको डिफरेंशिएट करके एनालिसिस करिए ना, सब आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, पास पास तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है बेटा, 15 अगस्त भी निकल गया है, थोड़े दिनों बाद अगस्त का निकल जाएगा, सितंबर शुरू हो जाएगा, सितंबर के बाद अक्टूबर में दशहरा दिवाली, तो धीरे धीरे वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स एग्ज़ाम्स बेटा, हम एग्ज़ाम की तरफ जा रहे हैं, एग्ज़ाम की तरफ हम जा रहे हैं बेटा, तो एग्ज़ाम थोड़ा सा सिंसियरनेस इंक्रीज़ कर दो, सीरियसनेस इंक्रीज़ कर दो, टेक इट बिट वेरी सिंसियरिटी कि अब हम थोड़ा फोकस्ड होके पढ़ें। छोटी क्लासेस के बच्चे अगर वीडियो को देखते हैं तो वो भी ध्यान रखें कि हम सीख सकते हैं, क्लासेस का कोई मतलब नहीं है। तुमने थ्री इडियट देखी थी ना, उसमें रेंचो क्या होता था, छोटी क्लास में होते हुए भी सीनियर्स के साथ भी जाके पढ़ लेता था, यू कैन डू दैट। ठीक है, इट्स वेरी इजी कि हम बस कमेंट कर करके चले जाएं, बेटा पढ़ना शुरू करो, पढ़ना ज्ञान की गंगा जो बह रही है, कम से कम एक सब्जेक्ट ही तैयार कर लो जब तक, अगर छोटी क्लासेस में हो तो मैथ्स कर लेते हैं या फिजिक्स कर लेते हैं या केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं या एलजेब्रा कर लिया उसी का, थोड़ा प्लानिंग करो सब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, पर कभी भी एग्ज़ाम को ना बर्डन की तरह मत कंसीडर करना कि मतलब बहुत बड़ी टेंशन है, सो भी नहीं पा रहे हो, जस्ट डोंट डू ओवर थिंकिंग। ठीक है, नॉर्मल रिलैक्स रह के देखो मैं कितना रिलैक्स होकर पढ़ाता हूँ, आराम से बोलता रहता हूँ, जो भी भारी से भारी बात भी तुम्हें आराम से समझा देता हूँ, बेटा ऐसा कर लेना हो जाएगा, ऐसे कर लेना हो जाएगा। ठीक है, तो इन बातों को सुन लो, ख़त्म बात, ज़्यादा हाइपर होने की टेंस रहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। आइए, यह है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस वन, ये किया हमने इसका डिफरेंशिएशन, तो आइए डिफरेंशिएशन करने पहुँचते हैं, तो ये बनता है 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12, बन गया। अब ये तो बनी क्वाड्रेटिक,
क्वाड्रेटिक बनी है तो क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत क्वाड्रेटिक का हमें आइडिया होना चाहिए। तो इसका हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। बनाने पहुंचे डिस्क्रिमिनेंट जो होता है कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की बात की जा रही है तो निकाल लेंगे हम भी। सो बी का वैल्यू कितना है, ये रहा माइनस एट का स्क्वायर ए सी 64, ये भी 12 है, ये भी 12 है, 144, ये तो नेगेटिव है। अब नेगेटिव में कितना भी आए क्या फर्क पड़ता है, नेगेटिव आएगा, ये तो नेगेटिव आएगा, यानी इस क्वाड्रेटिक की वैल्यूज, इसके रूट्स नहीं आएंगे, इसके रियल रूट्स नहीं आएंगे। इसे कैसे रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट आएंगे, इसके इमेजिनरी रूट आएंगे, मतलब ये एक्स एक्सिस को कभी कट नहीं करने वाला, ये पूरा डायग्राम एक्स एक्सिस के ऊपर रहेगा क्योंकि ए पॉजिटिव है। सो दिस नंबर इज गोइंग टू बी पॉजिटिव फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर। तो हमारा क्या लॉजिक निकल के आया, ये हमें देखना है। हमारे पास ये लॉजिक निकल के आया कि एफ डैश एक्स जीरो तक नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके रूट्स जो हैं इमेजिनरी हैं। रूट्स कैसे हैं इस बेचारे के, रूट्स हैं इसके इमेजिनरी, इमेजिनरी हैं तो ये रियल एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, ऊपर ही रह जाएगा, ऊपर रहेगा क्योंकि ए पॉजिटिव है। ए नेगेटिव होता तो एक्स एक्सिस के नीचे ही रह जाता, हमेशा नेगेटिव रहता, तो हमेशा पॉजिटिव है। कौन, डिवाइड बाय डी एक्स इसका हमेशा पॉजिटिव है, यानी रेट ऑफ चेंज इसकी हमेशा पॉजिटिव है, यानी कि इसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी का क्या होगा। ये बार बार मैं फिजिक्स इसके लिए लेकर आता हूँ ताकि तुम तो अच्छे से रिलेट कर पाओ, क्योंकि डिवाइड बाय डीएक्स वहाँ भी होता है, प्रेजेंट हिडन। तो मोनोटोनिसिटी कोई ऐसा टॉपिक बिल्कुल नहीं है जो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ये फिजिक्स में आप इसी से सीखते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में रेट ऑफ चेंज अगर है पॉजिटिव है तो वेलोसिटी बढ़ती है, एक फंडा है, वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है तो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, उल्टा बोल दिया मैंने, वी होता है डीएक्स बाय डीटी, ताकि वी इज पॉजिटिव यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है तो फिर डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या देख पा रहे हैं हम, बढ़ेगा ये तो पॉजिटिव है, जीरो भी नहीं होगा, जीरो भी नहीं होगा तो दिए कौन सी कैटेगरी में जाएगा, ये तो लगातार बढ़ेगा, दिस विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, और स्ट्रिक्टली अगर इंक्रीज हो गया सो दिस इज अ मेनी वन वन फंक्शन, कैसा होगा, वन वन फंक्शन हो जाएगा, वन वन फंक्शन होगा तो बना लेते हैं। क्यूबिक एक ऐसा डायग्राम बनेगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है, ये बनेगा माइनस वन, जीरो पर वैल्यू देख लिया माइनस वन है, अब बना के खींच के देख लो इसके ऊपर कहीं भी लाइन एक से ज्यादा बार ये कभी कट नहीं करेगा, हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। क्यूबिक के डायग्राम ऐसे भी तो बना सकते थे कि सर क्यूबिक का डायग्राम तो हम ऐसे बना देते, ऐसे बनाते देखो बढ़ता फिर घटता फिर बढ़ता, ये नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ चेंज सिर्फ पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कैसे बना दिया, ये वाला डेटा बना दिया, तो वो वाला डायग्राम पॉसिबल नहीं है। अगला वाला क्यूबिक मैंने लिखा है, इसका एनालिसिस करके बताइए कि माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स माइनस फाइव हमारे पास लिखा हुआ है, इसका हमें बेहतरीन तरीके से एनालिसिस करके बताना है कि इसका क्या होने वाला है। तो शुरू हो जाइए और बना के दिखाइए कि क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, बनाइए बनाइए, बना के दिखाइए कि इसको हम ऐसे कर सकते हैं। बनाइए सीधा वही बात, डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे फिर क्वाड्रेटिक आएगा, क्वाड्रेटिक का करेंगे एनालिसिस कि क्या आने वाला है, नो प्रॉब्लम, सब बन जाएगी बात है। बना के तो देखिए, तो कर लेंगे हम इसको डिफरेंशिएट, करूँ मैं आ जाऊँ साथ में तुम्हारे या तुम लोग करना चाहोगे, डिवाइड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बनाइए देखिए क्या बनेगा, आराम से डिफरेंशिएट करिए, माइनस टू एक्स क्यूब है ये बन जाएगा माइनस सिक्स का स्क्वायर बनेगा प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, बन गई कहानी, गौर से देखो माइनस टू एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस सिक्स, डन इट, बना दिया। अब क्या करें, अब यहाँ से काम करो, माइनस सिक्स को कॉमन ले लो तो तुम पहुँचोगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स माइनस वन, गॉट इट। अब इसका हम क्या कर सकते हैं, इसका हम क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, बताइए क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, सो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ओके, अंदर वाली क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूँ, माइनस सिक्स तो बाहर है, सो वन प्लस फोर फाइव, पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है प्यारे बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा तो क्या मतलब है, इस क्वाड्रेटिक के तो रियल रूट आएंगे, कैसे रूट आएंगे, रियल रूट आएंगे, और दो अलग अलग रूट आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आने वाले हैं इस क्वाड्रेटिक के,
तो इस क्वाड्रेटिक के रिजल्ट निकला कि इस क्वाड्रेटिक के तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। तो ये जो डिवाइड बाय डीएक्स है इसके तो दो रूट, दो बार ये जीरो होगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स हैं इसके तो दो बार जीरो होगा। मान लेते हैं एक रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा है, हमें रूट्स निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें क्या पूछा है, हमसे इसका एग्जैक्ट डायग्राम बनाने को थोड़ी बोला है, हमें तो बस ये बोला है कि ये बता दो वन वन है या मेनी वन है। तो देखिए प्यारे फ्रेंड्स क्या होने वाला है कि दो रूट्स इसके आएंगे। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है इसके सामने पहले माइनस लगा हुआ है तो बीटा के आगे वाला माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। तो फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा, तो क्या हुआ। अब देखिए ये किसका साइन बनाया है, दिस इज द साइन फॉर डिवाइड बाय डीएक्स। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, हमेशा पॉजिटिव था तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था। अब ये कैसा बिहेवियर है, दिस विल डिक्रीज देन दिस विल डिक्रीज, ये डिक्रीज करता हुआ जाएगा यहाँ आने के बाद, फिर ये इंक्रीज करेगा, फिर ये डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। तो कहानी ये है कि ये इंक्रीज डिक्रीज दोनों करेगा, डिक्रीज करता हुआ आएगा और डिक्रीज करने के बाद यहाँ अल्फा के बाद इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करने के बाद फिर ये डिक्रीज करता हुआ निकल जाएगा। तो ये मोनोटोनिक है क्या, क्या ये हमेशा बढ़ रहा है, नहीं। क्या ये हमेशा घट रहा है, नहीं। दोनों ही केस नहीं है। तो ये कैसा फंक्शन है, दिस इज मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, दिस इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। तो हम इसको किस कैटेगरी में रखेंगे, यस ये तो मेनी वन होगा, दिस विल बी अ मेनी वन फंक्शन। कैसे इसका प्लॉटिंग बनेगा देख लो, अभी बना लेते हैं, प्लॉटिंग भी इजी है। माइनस इन्फिनिटी पे चेक करो एक बार कैसा डायग्राम बनेगा, माइनस इन्फिनिटी रखेंगे ये सब तो बच्चे हो जाएंगे इन्फिनिटी के आगे, माइनस बाहर आएगा, दिस विल बिकम प्लस, ओके। तो एक्स एक्सिस का आइडिया तो हमें अल्फा बीटा में है नहीं किधर जाने वाला है, एक्स एक्सिस को हटा देते हैं, क्यूबिक का डायग्राम डायरेक्ट बना देते हैं। तो प्लस इन्फिनिटी से ये नीचे आता हुआ, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे चला जाएगा, सीधी सी कहानी। ये जो हम पे दिस इज अल्फा, ये जो बड़ा वाला है ये है बीटा है, क्योंकि यहां तक ये घटेगा, फिर अल्फा से बीटा बढ़ेगा और फिर बीटा से आगे फिर ये फिर डिक्रीज होने लग जाएगा। ये इस वाला पैटर्न का होगा, पिछला वाला जो क्यूबिक बनाया था वो ऐसे बढ़ रहा था और ये कैसे बढ़ रहा है, ये घटा है फिर बढ़ा है फिर घटा है, तो क्लियर है ऐसी लाइन बन जाएगी, एक से ज़्यादा बार ये इसको कट कर देगी। तो देख लीजिए कैसे किया हमने क्यूबिक का एनालिसिस पिछले दोनों क्वेश्चंस में, तब हम आगे बढ़ेंगे इसी के बाद। ठीक है गाइस, तो हम मिलते हैं अब अगली क्लास में। आज हमने डिस्कस किया है वही मन वन और मेनी वन के ऊपर, बहुत सारे क्वेश्चंस किए, मोनोटोनोसिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमने सीखा है। अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऑन टू और इन टू फंक्शन के बारे में, डिस्कशन करेंगे कि ऑन टू और इन टू फंक्शन के बारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कैसे कैसे उसके अंदर हम बताते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इस कंटेंट को पहुँचाइए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।